यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए डिनर डिप्लोमेसी का सहारा लिया। कल रात सोनिया की जनता पार्टी में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं को डिनर दिया। डिनर में 17 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। इन नेताओं में एनसीपी नेता शरद पवार, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, सीपीआई के डी राजा, शरद यादव, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, बीएसपी के सतीश मिश्रा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, आरएलडी के अजीत सिंह और असम से एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल शामिल थे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि डिनर का मकसद संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष को एकजुट करना था। एक सौहार्द और मित्रता पूर्ण माहौल में विपक्ष के सब नेता बैठकर एक दूसरे से व्यक्तिगत भी और राष्ट्र के मुद्दों पर कम से कम विचार साझे कर सके, आदान प्रदान कर सके। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डिनर देकर भी विनर नहीं बन पाएगी। कांग्रेस अलग तलग पड़ चुकी है, इसलिए डिनर पॉलिटिक्स करने के लिए मजबूर हो गई है। विनर बीजेपी है, जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि वो आपसी मतभेद भुलाकर साथ आएं, ताकि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से बीजेपी का सफाया किया जा सके।